नमस्कार दोस्तों, बाइसेल सिग्नल सॉफ्टवेयर में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, आज का कौन सा ट्रेड दिया है और कैसा प्रॉफिट रहा है। अगर आप एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करते हैं तो सॉफ्टवेयर में आपको 10% का डिस्काउंट कर देंगे, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल ब्रोकिंग अकाउंट का लिंक दिया गया है। आप मुझे अकाउंट ओपन करके मैसेज कर सकते हैं, और अगर डायरेक्टली भी अगर सॉफ्टवेयर नहीं लेना चाहते हैं, डायरेक्टली भी अगर मैसेज ओपन करते हैं हमारे लिंक के थ्रू, तो आपको सपोर्ट मिलेगा। मुझे कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर के अंदर अगर सही ट्रेड मिलता है तो सॉफ्टवेयर के अंदर हम ट्रेड करते हैं, अगर गलत सिग्नल मिलता है तो हम ट्रेड नहीं करते हैं। सॉफ्टवेयर खुद आपको बता देगा कि ये सिग्नल है वो कंफर्म है या फिर नहीं है। देखते हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी में आज उसने 1:30 बजे सेल सिग्नल दिया है। अब ये सेल सिग्नल कंफर्म था, उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर एक सेल सिग्नल बना था, मैंने आज सुबह जब लाइव किया था तब आपको मना किया था कि अभी कोई ट्रेड नहीं बना है, पर 1:30 बजे सॉफ्टवेयर ने सेल सिग्नल दिया और अच्छी तरह से मार्केट नीचे गिर गया। तो ये सिग्नल था वो कंफर्म था, स्ट्रॉन्ग सिग्नल था और डबल सीट से वेरीफाई था। मैं आपको दिखा देता हूँ सीट नंबर 2 का भी वेरीफिकेशन। यहाँ पर देखिए, तो ये जो वाइट कलर की लाइन से मार्केट नीचे क्रॉस हो चुका है, दूसरा येलो कलर की लाइन से भी क्रॉस हो चुका है, नीचे की दोनों रिबिन है वो रेड में बनी हुई है। दूसरा यहाँ पर देखते हैं तो सबके सब राउंड भी रेड में है, यहाँ भी रेड है, यहाँ भी रेड है और यहाँ भी रेड है, और नीचे की दोनों रिबिन भी रेड में बनी हुई है। तो ये जो सिग्नल बना था वो डबल सीट से वेरीफाई था और अच्छी तरह से मार्केट नीचे गिर गया। दूसरा, जब भी बाई सिग्नल मिलता है तो बाई के अंदर भी वेरिफिकेशन होना जरूरी है, क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत सारे इंडिकेटर के अंदर बाई सेल बाई सेल बाई सेल बना देता है और आपको कंफ्यूज कर देता है कि सिग्नल सही आया है या फिर फेक आया है, वो आपको पता नहीं चलता है। पर सॉफ्टवेयर ने यहाँ से आगे से ही पहले कन्फर्मेशन एरो दिया और उसके बाद बाई सिग्नल दिया, मतलब कि ये सिग्नल है वो पक्का ट्रेड है, आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा, आगे जाकर सॉफ्टवेयर ने आपको सपोर्ट दिया कि भाई ये और नीचे ऊपर जाने वाला है, होल्ड रखिए, और डायरेक्टली मार्केट आज गैप अप में खुला। निफ्टी के अंदर भी चेक कर लेते हैं तो निफ्टी के अंदर कैसा परफॉर्मेंस रहा। इसमें ही समथिंग 1:30 बजे इसमें सेल सिग्नल बना था, करीबन 1:50 पर सेल सिग्नल आया और ये भी सेल सिग्नल कंफर्म था, स्ट्रांग था, क्योंकि सेल के पहले देखिए एक नीचे की साइड का ब्लू कन्फर्मेशन एरो बना हुआ था। अगर कन्फर्मेशन एरो है तो हम ट्रेड करेंगे, अगर नहीं है तो ट्रेड नहीं करेंगे। साथ में हमारा सीट नंबर 2 का भी वेरिफिकेशन चेक कर लेते हैं, तो येलो कलर की लाइन और वाइट कलर की लाइन को टच करना चाहिए या फिर नीचे होना चाहिए, तो ऑलरेडी है, नीचे की दोनों रिबिन है वो रेड में बन गई थी, और यहाँ पर देखिए तो सभी के सभी राउंड भी रेड में हो गया था। तो ये जो सिग्नल था डबल सीट से वेरीफाई था, आप इसमें लॉट की क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं, इसकी एक्यूरेसी लेवल है वो हाई हो जाती है। उसके पहले का जो बाई सिग्नल था, मैंने जब पिछले 9 तारीख को लाइव किया था तब ये मैंने लाइव में आपको सिग्नल दिया था। आप चाहे तो पिछले 9 तारीख का लाइव इवेंट चेक कर सकते हैं, मैंने लाइव के अंदर टारगेट अचीव करवाया था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के अंदर, 9 तारीख का लाइव इवेंट आप चेक कर सकते हैं। तो ये भी सिग्नल परफेक्ट था, इसलिए मैंने लाइव में बोला था और 150 पॉइंट का टारगेट दिया था, वो तुरंत हो गया था। बाई सिग्नल कंफर्म था क्योंकि बाई के पहले ऊपर की साइड का कन्फर्मेशन एरो दिया था, यहाँ पर आपको बोला गया था कि ये और ऊपर जाने वाला है, होल्ड रखिएगा, और देखिए तो मार्केट ओपन हुआ, डायरेक्टली गैप अप में खुला। तो अगर आप कॉल पुट में भी करते हैं तो आपको यहाँ उसका कॉल लेकर रख देना है, तो अगले दिन डायरेक्टली मार्केट ऊपर जाएगा। दूसरा कोई स्क्रिप्ट ले लेते हैं, जैसे कि सिप्ला, तो सिप्ला के अंदर आज सेल सिग्नल था और सेल के पहले एक कन्फर्मेशन एरो था, मतलब कि ये सिग्नल कंफर्म था और मार्केट नीचे गिरा, और उसके पहले का बाई था वो भी कंफर्म था, और 2 बार सॉफ्टवेयर ने सपोर्ट दिया था कि भाई और ऊपर जाने वाला है, आप चिंता मत करिए, आपको कॉन्फिडेंस इंक्रेज करवाया कि होल्ड रखिएगा, मार्केट तो ऊपर ही जाने वाला है, वो डायरेक्टली मार्केट ऊपर जाने लगा। यहाँ अगेन आपको एक बार सपोर्ट दिया था कि आप चिंता मत करिए, होल्ड रखिएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, और सॉफ्टवेयर को डाउट लगा कि अब मार्केट गिरने वाला है, तो तुरंत आपको एग्जिट का पॉइंट दिया। ये स्टॉप लॉस से पहले आपको ऊपर टॉप लेवल से सॉफ्टवेयर ने एग्जिट दिया। तो सॉफ्टवेयर के अंदर सब कुछ होना चाहिए,
एंट्री सही होनी चाहिए, दूसरा आपको होल्ड कहाँ तक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो सपोर्ट मिलना चाहिए सिग्नल के बीच के अंदर भी, और सही टाइम पर एग्जिट होना चाहिए। ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर होनी चाहिए तो ही आप प्रॉफिट ले पाएंगे। अगर एंजल ब्रोकिंग के अंदर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी लिंक अवेलेबल है, आप ओपन करके मुझे मैसेज करिएगा। अगर आपको फ्यूचर में कभी भी कुछ भी रनिंग में सहायता चाहिए तो मैं आपको सहायता ज़रूर करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, अगेन मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी ये चैनल पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी हम लाइव करेंगे तब उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आपको सहायता करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।